दोस्तों आपको आज सीखना है कि टाई कैसे बांधते हैं। आपका भैया आपको सिखाएगा सबसे इजी, सिंपल और एलिगेंट और क्लासी टाई बांधने का मेथड। इस मेथड को हम कहते हैं फुल विंडसर नॉट, और हर बंदे को इस मेथड की जानकारी होनी चाहिए। पर इस मेथड को और ज्यादा आसान बनाने के लिए पहले आपको दो रूल याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके टाई की लेंथ की सिलेक्शन ना हमेशा हर बंदे के लिए अलग होगी, ये याद रखिए। क्यों? हर बंदे की हाइट अलग होती है, हर ब्रांड की टाई की लेंथ अलग होती है, हर टाई की कट अलग होती है। इसलिए इन दिस वीडियो लेंथ ऑफ टाई पर फोकस मत करो, ठीक है? आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है कि उस गांठ को ना आपको ज्यादा सेक्सी बनाना है, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। तो वो हो गया हमारा पहला रूल, गांठ ओवर लेंथ। दूसरा रूल, अगर फुल विंडसर नॉट बांधनी है तो ये रूल याद रखिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल से स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल मतलब सीधा, ये लाइन में, ठीक है? इसे हम कहते हैं वर्टिकल, एकदम खड़ा हुआ, ओके? और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। जब टाई को हम ऐसे लिटाते हैं ना, इस प्लेन में मूव करते हैं, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपको फुल विंडसर नॉट बांधनी है तो ये रूल याद रखिए, VHVHV, ओके? हो गया, लेट्स टॉक। अभी पहली चीज, टाई की लेंथ कैसे सिलेक्ट करोगे ये जानिए कि अगर आप टाई बांध रहे हो ना, आपको हमेशा एक या दो बार टाई बांधनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी पहले अटेम्प्ट में ना आपकी लेंथ एकदम परफेक्ट नहीं होगी, आपको एक या दो बार बांधना पड़ेगा टाई को। इससे आई एम ओनली गोइंग टू टीच यू हाउ टू टाई अ वेरी गुड टाई, ओके? चलो अभी स्टार्ट करते हैं। टाई के दो साइड होते हैं, एक होती है फ्रंट साइड, एक होती है बैक साइड, ठीक है? और दो एंड्स होते हैं, एक होती है मोटी एंड, एक होती है पतली एंड। पतली एंड को अपने कोई भी शोल्डर पर रख दो, ठीक है? बट फॉर नाउ आई हैव केप्ट इट ऑन माय लेफ्ट शोल्डर। आप मोटी एंड को ऐसे लेंगे, पतली एंड को अपने निपल पर एंड करो, अराउंड योर निपल एरिया मोटी एंड को ऐसे ले लो और मोटी एंड को पतली एंड के ऊपर डालो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? एक और चीज याद रखो, अभी एक हाथ के साथ ना थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ टाइंग योर टाई, एक हाथ के साथ आप यहाँ कस के पकड़ोगे, हर स्टेप के बाद इसको टाइटन करोगे आप, ठीक है? इन उंगलियों से टाइटली टाई को पकड़ोगे और इस हाथ से आप टाई को एक्चुअली मूव करोगे अपने राइट हैंड से, ठीक है? तो एक बार आपने क्रॉस कर दिया, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है, वो वाला रूल याद रखिए, VHVHV, फर्स्ट स्टेप वी यानी कि वर्टिकल। या तो आप ऐसे टाई को मूव कर सकते हो, देखो ऐसे मैंने वर्टिकल कर दी, फिर लूप के अंदर डाल दी, या आप ऐसे टाई को खींच सकते हो और यहां से ला सकते हो वर्टिकल। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं गांठ बांध दूंगा, तो पहले वर्टिकल, मैंने ऐसे वर्टिकल टाई को खींची और अभी इस लूप के थ्रू टाई को खींचा बाहर और फिर टुक जाने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि मेरे को मेरी उंगलियों के साथ टाई को यहां पकड़ना है और अभी हॉरिजॉन्टल की बारी आए, या तो आप यहां से खींच सकते हो या यहां से टाई को खींच सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले राइट साइड पर टाई को खींचूंगा, ठीक है? जिस साइड पे ओरिजिनली आपने मोटी एंड को बांधा था उस साइड पर खींचूंगा, ओके? और फिर मैं मेरे ये हाथों के थ्रू, जो हाथ टाई को पकड़ रहा है ना उस हाथ के थ्रू लूप को डालूंगा। तो यहां मैंने टाई को खींची और इस हाथ के थ्रू मैंने टाई को डाला, ठीक है? और इस स्टेप के बाद भी मैं इस होल्ड को एकदम टाइटली पकड़ूंगा, ओके? दबाया, ठीक है? मैं टाई को थोड़ा सा एडजस्ट किया, ओके? अभी एच वाला स्टेप हो गया, यानी कि वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। अभी फिर से वर्टिकल की बारी है, या तो आप नीचे से फिर से टाई को लूप के थ्रू डाल सकते हो या ऊपर से। इस बार मैं ऊपर से डालूंगा। अब एक स्टेप याद रखो कि इस स्टेप के बाद ना दुनिया को आपका लेबल देखना चाहिए, टाई का लेबल। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पहले आपको अभी वर्टिकल प्लेन में मूव करना है, तो आप ऐसे टाई को खींचोगे, इनिशियली शो द दुनिया योर प्लेन साइड, योर फ्रंट साइड। पर जब आप लूप के थ्रू टाई को डालेंगे ना, ऐसे आप खींचेंगे ना टाई को, अब क्या हो रहा है, अब दुनिया आपका लेबल देख रही है, ये याद रखिए, ठीक है? ये हो गया हमारा वर्टिकल स्टेप। अभी एक और हॉरिजॉन्टल स्टेप की बारी आएगी, तो अब आपको फिर से यहां राइट साइड पर खींचना है अपनी टाई को, ओके? एक बार खींच लिया, एक अपनी ये वाली उंगली यहां डालो टाई के लूप पर और इसके ऊपर टाई को बांधिए। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल स्टेप। अभी एक फाइनल बहुत ही आसान वर्टिकल स्टेप बाकी है, और वो वर्टिकल स्टेप है ये, मैंने हाथों के थ्रू डाल दिया, अब मुझे वर्टिकल प्लेन में मूव करना है, तो मैं यहां से खींचूंगा। बहुत सिंपल है, ये जो लूप मैंने बनाया ना मेरी उंगली के थ्रू,
इसमें से टाई को डालूंगा और मोस्टली बन गई मेरी फुल विंडसर नॉट। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेसिक सी विंडसर नॉट, पर इसे और भी परफेक्ट बनाना है और इसके लिए मुझे चाहिए मेरा मित्र ब्लेक डसिल्वा। थैंक यू ब्लेक जी, आपकी ज़रूरत है क्योंकि एक्चुअली टाई बांधने में आपको एक शीशे की ज़रूरत होती है और यहाँ हमारे स्टूडियो में शीशा नहीं है, पर हमारे पास है सेल्फी कैमरा। और सेल्फी कैमरे की हेल्प लेकर पहले तो मैं अब मेरा टॉप का बटन बंद कर दूंगा। बंद हो गया। ओके, अब इसके बाद अब आपको ध्यान में रखना चाहिए ये वाली पतली एंड और ये आपकी गांठ। अभी आपको क्या करना है, ये गांठ को आपने काफी रफली बांध दिया, अभी इसको शेप में लाना है। आप कैसे शेप में लाओगे, पहले तो कैमरे प्रोफेशनल यहां आ जाओ, ठीक है। यहां ना ये जो बॉटम एंड है आपको यहां चिमटी मारनी है, जोर की चिमटी, ओके। और दूसरे पतले एंड के साथ खींचना है टाई को, ठीक है। तो यहां चिमटी मार ली जोर की, अभी खींचो। अब ये थोड़ी सी ज्यादा शेप में आ गई। अब मैं फिर से देख रहा हूं, अभी मैंने देखा कि ये समोसे के दो अपर एंड ना, ये वाले दो एंड अभी तक एकदम शेप में नहीं आए हैं, तो शीशे में देखकर अब मैं इनको भी शेप में लाऊंगा। अंगूठों के हेल्प के साथ यहां टाई को ऐसे पीछे टक इन कर दूंगा, इन्हें एक दो ऊपर वाले एंड्स को और ज्यादा पॉइंटी बना दूंगा, ठीक है। और फिर से यहां चिमटी मार के इस पतले एंड को खींचूंगा, ओके। तो एक बार, अरे मैंने काफी अच्छी गांठ बांध ली यार, ओके। फिर से समोसे के दो टॉप एंड को शेप में लाऊंगा अंगूठों के साथ, ये जो एक्स्ट्रा बिट्स है ना टाई के, जो यहां से बाहर निकल रहे, यहां से बाहर निकल रहे, इनको टक इन कर दूंगा, टाइट समोसा बनाऊंगा। और यहां फिर से चिमटी मारकर मैं पतली एंड को ऐसे खींचूंगा और ये बन गए हमारी फुल विंडसर नॉट। अभी फुल विंडसर नॉट की सेक्सीनेस पता है कहाँ बसती है, इन द फैक्ट दैट आपका यहाँ का बटन ना छिप गया है। तो बेसिकली आपको एक बार फिर से शीशे में देखना, अच्छा हाँ बटन छिप गया और ये बन गई आपकी फुल विंडसर नॉट। अगर इसे और भी ज़्यादा सेक्सी बनाना है ना, तो हमें टाई डिम्पल का उपयोग करना पड़ेगा। टाई डिम्पल क्या होता है, ये होती है एक फ्लैट टाई, पर ये आप देख रहे हो ये यहाँ का पोर्शन ना, एक्चुअली अगर आपने मैगजीन के टाइज देखे ना तो वो कुछ ऐसे होते हैं, और उस चीज को हम कहते हैं टाई डिम्पल। तो अगर आपको डिम्पल बनाना है, ठीक है, डिम्पल बनाना ओके, पर अगर आपको डिम्पल बनाना है तो आप यहां से ना, जहां से आपने वो लास्ट वाला स्टेप किया था ना, वो लास्ट वर्टिकल वाला स्टेप, अब वहां से टाई को थोड़ा सा खींचेंगे, यहां टाई को ऐसे, ये दो एंड्स को, कैमरे प्रोफेशनल यहां आ जाओ, ये वाले दो एंड्स को आप यहां ऐसे चिपकाएंगे खुद के साथ, ठीक है, कैमरे प्रोफेशनल वहां जाओ, और फिर ये जो मोटी एंड है आप उसके साथ अपनी टाई को नीचे खींचेंगे और ये बन गया हमारा टाई का डिम्पल। टाई और भी ज्यादा सेक्सी हो गई, आपने रस्ते में फुल विंडसर नॉट सीख लिया, और ब्लेक और राजेश परदेशी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये इस वीडियो को, रणवीर अलवादिया चैनल के क्रिएटर्स हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, गोलू बटन को प्रेस कर दीजिए, फैशन प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। Until next time guys, love you all, sexy full Windsor knot for life.